खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए अब बात करते हैं भारत की हार की। जी हां, कल रात को दिल्ली में प्रदूषण के बीच खेला गया भारत बांग्लादेश के बीच मैच, और इस मैच में बांग्लादेश ने भारत को बड़ी आसानी से 7 विकेट से हरा दिया। ये छक्का हिंदुस्तानी फैंस के सीने में नश्तर बनकर चुभ रहा होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने ये मैच नहीं जीता है, उसने टीम इंडिया को बुरी तरह पटका है। 10 साल 3 देश 2 उपमहाद्वीप में 8 मैच हारने के बाद बांग्लादेश ने T20 में हिंदुस्तान पर यह पहली जीत हासिल की है। दिल्ली T20 बांग्लादेश ने 7 विकेट से जीता। टीम इंडिया 20 ओवर में 6 विकेट पर 148 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेशी टीम ने 19.3 ओवर में 3 विकेट पर 154 रन बनाकर जीत हासिल की। मुशफिकुर रहीम ने 8 चौके और 1 छक्के के साथ नाबाद 60 रन बनाए। कप्तान महमूदुल्ला ने 7 गेंद पर नाबाद 15 रन बनाए। भारतीय गेंदबाज फ्लॉप रहे तो बल्लेबाजों ने भी धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सिवाय शिखर धवन के। शुरुआत में रोहित और राहुल जल्दी आउट हो गए तो बीच के ओवरों में श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत नहीं चले। शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए, रोहित शर्मा 9 रन, वही केएल राहुल 15 रन पर सिमट गए। श्रेयस अय्यर ने 22, वहीं ऋषभ पंत 27 पर पवेलियन लौट गए। आखिरी 2 ओवर में कुणाल पांडे और वाशिंगटन सुंदर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम की डूबती नैया को बचाया। आखिरी 2 ओवर में टीम इंडिया ने 30 रन बनाए और बोर्ड पर 148 रन का स्कोर टांग दिया। लेकिन ये तमाम कोशिशें बांग्लादेश के बल्लेबाजों के हौसले और खेल के सामने बौना साबित हुई। भारत सीरीज में 0-1 से पीछे है, सीरीज में 2 मैच बाकी हैं। अगर टीम इंडिया के प्रदर्शन पर छाई धुंध नहीं छटी तो T20 में बांग्लादेश पहली बार भारत से सीरीज जीत जाएगा। वैसे भी बांग्लादेश की टीम जो है वो उलट फेर करने के लिए जानी जाती है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि T20 में बांग्लादेश ने भारत को हराया हो। अब आगे अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान रखने की जरूरत है भारतीय टीम को।